Hey you guys, what's up? Welcome to my channel. My name is Vaishnavi and you are watching the Rock Clips. So, आज है नवरात्रि का फोर्थ डे एंड दिन की शुरुआत होती है आरती से एंड आरती अभी मेरे पापा गा रहे हैं एंड आप इस व्लॉग के साथ बने रहिए. मैं आपको आज दिखाऊंगी कि हमारे घर पे नवरात्रि में क्या रिचुअल्स है एंड हम शाम में जो भजन होता है वो भी करते हैं. आपको आज इस व्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा. शरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन विरहेनालसतया विधेयाशक्या त्वत्तव चरणयोर्याच्युतिर्भूत तदेतत् चन्ताव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति. जगन्मातर्माता तव चरणसेवा नरचिता न वादत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे. तो वाञ्छा कलभद्रुम तो वाञ्छा कलभद्रुम हारिणि सर्वबाधा मा जगजननी जय जय. दश विद्यानव दुर्गा नाना सत्र करा हो मैया नाना सत्र करा. अष्टमातृका योगिनी अष्टमातृका योगिनी नव नव रूप धरा मा जग जननी जय. पार्टी कैसा लगा? तो हमारे घर पे ऑलमोस्ट ऐसा ही माहौल रहता है. 10 दिन तक तो ऐसा ही माहौल रहेगा जब तक नवरात्रि चलेगी. एंड हमारे घर पे सुबह आरती होती है, फिर दोपहर तक तो कुछ कुछ शाम के आरती के लिए कुछ खाना बनता है, मतलब भोग बनता है. एंड फिर शाम में होती है भजन, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी क्योंकि वो भजन मुझे इस भजन का बहुत वेट रहता है क्योंकि 8 दिन तक ऑलमोस्ट हर दिन भजन होता है हमारे घर पे. एंड बहुत अच्छे अच्छे भोग बनते हैं भगवान जी के लिए, माता जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे भोग बनते हैं. आप सोचोगे कलश स्थापना भी होता है, तो नहीं, कलश स्थापना नहीं होता है, जस्ट नॉर्मल भजन हमारे घर पे होता है. एंड वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड आपको भी बहुत पीस मिलेगा ये सुन के, मतलब भजन सुन के बहुत अच्छा लगेगा. एंड मैं आपसे मिलती हूँ तब जब भोग की तैयारी हो रही होगी. ओके, ये हमारे घर पे हो रही है प्रसाद की तैयारी. प्रसाद में आज 4th दिन है तो आज बन रहा है पुआ. हमारे यहाँ पे मैदे का पुआ बनता है. मैदे को दूध में, जो कि ठंडा होना चाहिए, वो ठंडे दूध में मिक्स करके उसमें गरी, जो कि सूखा नारियल होता है, उसको मिक्स करना है. फिर आपको इलायची पाउडर या फिर आप इलायची को कूट के अच्छे से उसमें मिक्स करो, चीनी मिक्स करो और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. हाँ सॉरी, उसमें केला मिक्स करना है, फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है एंड उसके बाद हम उसे छानेंगे एंड उसे प्रसाद में लगाएंगे. घर में आज माता रानी का महाप्रसाद ही बन रहा है. कितना जेब आप देख सकते हैं, ये देखिए मालपुआ, माता रानी का भोग लगेगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, आनंदमय रहता है 9 दिन. Thank you.
हमारे घर पर 8 दिन तक ऐसे ही खाना बनता है जिसमें नमक नहीं रहेगा, बट हाँ सेंधा नमक रहेगा और घी में जो भी खाना बनेगा वो सारा घी में ही बनेगा और हल्दी भी नहीं रहेगा। तो 8 दिन तक हमें यही खाना खाना पड़ता है। तो मम्मी आज बना रही है आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी, वो भी इस, मम्मी इसको क्या बोलते हैं इस खाने को? हविशान अरवा खाते हैं पर इसको हम लोग क्या हविशान बोलते हैं। सो मम्मी ने इस घी में ज़ीरा, अदरक और मिर्च डाला है। अभी इसे अच्छे से थोड़ा फ्राई करना है। उसके बाद इसमें जो पत्ता गोभी है वो हमें इसमें डालना है एंड उसे भी अच्छे तरीके से हमें फ्राई करना है। तो ये है सेंधा नमक। हाँ नहीं यार, मतलब पता नहीं, तो अपने हिसाब से देखो। शाम का समय हो चुका है और एक साइड यहाँ पे बन रही है हमारी चाय, और ये जो चाय है ये गुड़ वाली चाय है। एक साइड चाय चढ़ी हुई है एंड दूसरे साइड हमारा जो घी है वो गर्म हो रहा है। जब ये घी बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो जो आपने बैटर तैयार करके रखा था पुए का, उसको बहुत ही धीरे धीरे से आपको उसमें पोर करना है। साइड में आप एक कढ़ाई में 3 या 4 ऐसे छोटे छोटे पुए का बैटर इसमें डाल सकते हो। अभी हमने इसमें चीनी डाली है। हाँ मतलब सेम एज शुगर। पतंजलि का एक वो आता है खांड, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा होता है एंड हमने वो इसमें डाला है। अभी मम्मी का कहना है कि थोड़ी इसमें चीनी कम हो जाएगी इसलिए वो डालो, तो मैंने अभी इसमें डाला। वेट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ वो होता कैसा। सो ये चीनी जैसा ही है, मतलब प्रॉपर चीनी के जैसी इसकी मिठास है, बट ये थोड़ी डिफरेंट होती है, मतलब चीनी से बेटर है। चीनी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट आप चीनी के जगह पे इसे यूज़ कर सकते हो। सो आप ये देखो, इसकी ये जो टेक्सचर है ना, ये थोड़ी सूजी की तरह लगती है, मतलब ये चीनी नहीं है लेकिन सेम एज अ शुगर, मतलब नॉट हार्मफुल बट इन अ गुड वे। आप देखना मैं क्या करूँगी, उसके बाद मेरी मम्मी का रिएक्शन देखना, ठीक है? सो मैं पर्दे में मुँह पूछने वाली हूँ एंड मेरी मम्मी का सेम रिएक्शन होता है हर बार। रिएक्शन कैसा भी हो मैं वो चीज़ बार बार करती हूँ। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी लग रहा है। गर्मी तो क्या पसंद है, चाय पोछो। देखा आपने, मज़ा आता है मुझे ये सब करने में। मैं अभी वापस से पर्दे में मुंह पोछने जा रही हूँ। अब फिर से मम्मी का रिएक्शन देखना, ठीक है? इतना गर्मी क्यों लग रहा है यार हमको?
मुंह में। सब समझ चुकी हो तुम। तो तुम यहीं पे पोसती है? बाहर गमछा वमछा नहीं, तौलिया नहीं है? इतना तौलिया गमछा रखे हो तो तुम पोसती है? तरीका अपनाते हैं। मैं हाथ धो करके हाथ पोछूंगी, ठीक है? एंड वो मैं कैमरा ऑलरेडी सेट कर दूंगी वहाँ पे, फिर रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है मैं कुछ तो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा रहता है। तो ये अब नहीं करेंगे, बनाएगी। थोड़ा सा एक दो हम ट्राई कर सकते हैं, जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो। इसको आराम क्या करेंगे? अरे जाओ ना, तुमको देखने तो दे, तुम कैसे देखी? जब हम देख, जब ये होगा तब ना देंगे, तब तक हम ये देखते हैं। हम सुनो ना, हम तब तक देखते हैं, तुम जाओ। निकालते हैं ना, तो गैस कम करके स्टोव करके इसके रख के निकाल लेते हैं, ठीक है? एक हाथ इसको पकड़ते हैं, धीरे से इसमें धीरे धीरे डालते जाते हैं, इसको गैस चेक कर देंगे। अब धीरे धीरे इसमें जो भी घी है सब नीचे आ जाएगा, थोड़ा देर रखेंगे हो। अच्छा, मतलब जब ये निकालेंगे तो गैस कम कर देंगे, फिर इसको निकालेंगे और एक हाथ से इसको ऐसे पकड़े रहेंगे इसके, एक हाथ से इसमें डाल देंगे। हाँ, तब गैस कम ही रहेगा, कम ही रहेगा। और जब इसमें डाल देंगे तब इसको तेज कर देंगे। अच्छा, और फिर निकालते समय कम कर देंगे, और फिर उतारते समय फिर तेज कर देंगे, और फिर कम कर देंगे, और फिर तेज कर देंगे। बस एक बार समझ में नहीं आया तुम्हारा अलग कैसे हो जा रहा है, क्योंकि जब तुम डालती हो तो चिपक जाता है, फिर अलग करने के लिए उसको बीच बीच से ऐसे तोड़ना पड़ेगा। नहीं, अपने आप हो जाता है। अपने आप नहीं होता मम्मी, तुम देखना, तो जब हम बनाएंगे ना देखना वो चिपक जाएगा। हम तो बनाएंगे, तुमको दिखाएंगे बना करके, लेकिन वो ऐसा नहीं बनेगा ना। अरे यार, कहाँ पहुँचेंगे फिर? गमछा रखे ना वहाँ पे। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, अब नीचे पर बस। हाँ, ठीक है, थोड़ा डाल, चार बना देंगे हम। तीन ही बनेगा, चार? तुम देखो तो, वो कम समझ रही हो तुम, टैलेंटेड तो हम भी हैं, छोटा ही बनेगा पर बनेगा। पसीना पसीना हो गया, मुंह चिपका, तुम्हारा भी यही चिपका, देखो ना। वाओ, आई डिड इट, ये मम्मा, आई डिड इट। आज देखो, ला तुम मुंह पोंछ देते हैं, मुंह पोंछ देते ना। ओ, हटो ना, मैं उठो जाता हूं। देखो, मस्ती मजाक एक साइड, मेरा पुआ एक साइड। बहुत अच्छा बना है यार, वाओ, देख लो कैसा हो रहा है। अचानक से यहाँ पे सुबह तक मौसम बहुत अच्छा था, शाम में यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी पूरा वेदर एकदम मॉनसून वाला हो गया है। समाजिताय जगं जानी जवाहरलाल नेहरू विद्यालय।
जयंती मंगलाकारी भद्रकाली दवालिनी दुर्गा चमा शिवा रात्री स्वाहा सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत अतोहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरि मनुष्याकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमतने नारायणी नमोऽस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनोचराचरम् सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि यशो देव शरणागत दीनागत परित्राण परायणे सर्वस्यादरे देवी नारायणी एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमने जितना इन्जॉय किया है, आप सबने भी उतना ही इन्जॉय किया होगा इस व्लॉग को देखकर। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।